तो हमने भाई लास्ट टॉपिक तक पढ़ क्या लिया था, वर्क डन पढ़ लिया था। वर्क डन किस में? रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो आज एक समरी देख लेते हैं कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन किस किस फॉर्म में पढ़ना है। तो भाई होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में किस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ना क्या क्या है आपको? दो पढ़ने, एक कौन सा, एक रिवर्सिबल में और एक दूसरा किसमें? ई रिवर्सिबल में। किसमें? रिवर्सिबल में। तो पहला आता है किसमें? रिवर्सिबल में। और रिवर्सिबल में क्या पढ़ना है? दो फॉर्म में, एक क्या? एक्सपेंशन और दूसरा क्या? कंप्रेशन। एक एक्सपेंशन और दूसरा क्या? कंप्रेशन। जब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं, किसकी? इरिवर्सिबल की। तो इरिवर्सिबल में हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। एक तो होता है फ्री एक्सपेंशन। कौन सा? फ्री एक्सपेंशन। सेकेंड इसमें आ जाता है इंटरमीडिएट, मतलब हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट फॉर्म में है। तो इंटरमीडिएट कंडीशन में भी दो आ जाते हैं। कितना? इंटरमीडिएट कंडीशन में। तो इंटरमीडिएट कंडीशन में भी दो आ जाते हैं। कौन सा? एक एक्सपेंशन और दूसरा कंप्रेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं। भाई पहले तो मैं तुम्हें बता दिया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। भाई रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो कि एक स्टेप वाइज मैनर में होते हैं, जिसमें पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों क्या होते हैं? थोड़े सिमिलर टाइप के होते हैं, या पी अपोजिट या ड्राइविंग फोर्स दोनों होती है। वे दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है। या मैं इसको लिख सकता हूं कि जो इसमें पी एक्सटर्नल होता है वो इक्वल टू होगा पी अपोज के। P एक्सटर्नल या P डायनेमिक, इंटरनल प्रेशर। क्या? इंटरनल प्रेशर। बात समझ में आई? जो कि इरिवर्सिबल में अपोजिट होता है, जो कि इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल जो कि अप्लाई हो रहा है ऊपर से और जो गैस का प्रेशर है अंदर से, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो होता क्या है, जब हम एक्सपेंशन का केस हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, तो एक्सपेंशन में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था क्या, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आया था, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये एक्सप्रेशन किसका था? एक्सपेंशन के केस में, जिसमें वी टू बाई वी वन। जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। होगा क्या कि वी वन और वी टू वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो एक्सपेंशन में हम वॉल्यूम देख रहे थे वो वी वन से कहां जा रहा था, एक्सपेंड होके वी टू में जा रहा था। लेकिन जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वही वॉल्यूम वी टू से होके कहां पे आ रहा है, वी वन में आ रहा है। तो कंप्रेशन में होता क्या है कि जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम रहता है, बाकी जो ये वॉल्यूम है ये वॉल्यूम आपस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंप्रेशन के केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता क्या है, q इक्वल टू माइनस के w इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू। अब होता क्या है, बाकी जो आइसोथर्मल प्रोसेस थे, हमें चार चीजें यहां से पूछी जाती हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल में Q, W, U और H, ये चारों क्या क्या होंगे। तो जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट है और जो इंटरनल एनर्जी है और इंथैल्पी है वे हमारी एक टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इस वजह से रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी जो U रहेगा क्या, U और इक्वल टू H इक्वल टू क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे दोनों के केस में। आइसोथर्मल में याद रखो, आइसोथर्मल में रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी यू और एच क्या रहेंगे, दोनों जीरो रहेंगे। तो बार-बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देख लेते क्या है कि भाई ये वॉल्यूम के चेंज में है, किसकी क्रम में है, वॉल्यूम की चेंज में। अगर हम इसको किस में चेंज करें, प्रेशर की, तो पी वन वी वन इक्वल टू क्या होता है, पी वन वी वन इक्वल टू क्या होता है, पी टू वी टू। तो जब P1 by P2 equal to क्या हो जाएगा, V2 by V1। अगर हम इस वॉल्यूम को किसके टर्म में चेंज करें, प्रेशर के टर्म में, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, Q equal to minus के W। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो माइनस साइन इधर था मैं किधर ले लिया है, माइनस W लिख दिया है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वर्क हमेशा हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और Q equal to क्या होता है, W, तो Q कैसा आ जाता है इसमें, पॉजिटिव आ जाता है। तो बात क्या करते हैं, Q equal to minus W is equal to nRT
ln P1 by P2, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये किसकी टर्म में निकल के आया, प्रेशर की टर्म में। फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो कंप्रेशन में जो प्रेशर की टर्म में फॉर्मूला होगा तो वो क्या होगा, Q equal to minus W is equal to nRT ln क्या होगा P2 by P1, क्या होगा भाई P2 by P1। तो ये दो फॉर्मूले चार फॉर्मूले निकल के आ गए किससे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से। ये एक्सपेंशन का केस है और ये कंप्रेशन का केस है। फॉर्मूला एक ही याद रख सकते हो क्योंकि वर्क डन रिवर्सिबल में एक्सपेंशन में नेगेटिव आता है और सॉरी कंप्रेशन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बात समझ में आई। अब इन्हीं फॉर्मूले को अगर मैं किसकी टर्म में लिखना चाहूं, इस वॉल्यूम को किसकी टर्म में, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना चाहूं, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू होती क्या है भाई, कंसंट्रेशन अगर मैं C1 ले लेता हूं तो C1 इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ मोल अपॉन में V1, क्योंकि हम एक बार में वॉल्यूम क्या रख रहे हैं V1 और दूसरे टाइम में वॉल्यूम क्या रख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल सेम है भाई V2। अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को कंसंट्रेशन की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, C1 by C2 equal to क्या हो जाएगा, N by V1 multiply V2 by N, तो N से N cancel, तो C1 by C2 is equal to क्या आ जाएगा, V2 by V1। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं किसमें, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखूं, तो ये फॉर्मूला देखो कि कंसंट्रेशन की टर्म में कैसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला कंसंट्रेशन की टर्म में कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन आर टी एल एन सी टू बाई सी वन। जो सी टू बाई सी वन है यहां किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस था ये रिवर्सिबल का, तो रिवर्सिबल में सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडाइनेमिक्स में जो वर्क डन के क्वेश्चन आते हैं बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि यहां पे प्रोसेस कौन सा दिया है, आइसोथर्मल, उसके बाद चेक करना है कि रिवर्सिबल है कि या इरिवर्सिबल है। तभी इसी अपोज पैनर में मैं एक चार्ट बनाया है कि आपको प्रोसीड कैसे करना है, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस देखना है कि प्रोसेस कौन सा, आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल के बाद फिर देखना है कि भाई रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल में आते हैं तो सिर्फ दो पाथ निकल के आते हैं, लेकिन जब इरिवर्सिबल की बात करते हैं तीन पाथ निकल के आते हैं, कौन सा, फ्री एक्सपेंशन और इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में भी कौन सा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो बात करते हैं अब, तो ये जितना फ्लो चार्ट था ये किसका निकल के आया, हमारा रिवर्सिबल का निकल के आया, ठीक है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, किस प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। भाई जब फ्री एक्सपेंशन की बात बोल दी है, किसकी, फ्री एक्सपेंशन की, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि जो P अपोजिट है वो हमारा क्या है, इस केस में जीरो है। तो इस केस में होता क्या है कि जो P अपोजिट है, मतलब जो प्रेशर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो इक्वल टू क्या है, जीरो, क्योंकि हमारी एक्सपेंड फ्री कर रहा है, उसका कोई अपोजिट प्रेशर नहीं है। जब P अपोजिट जीरो हो गया तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस P अपोजिट इनटू dv। जब हमारा P अपोजिट जीरो हो गया तो वर्क डन हमारा कितना हो गया, जीरो, और वर्क डन इक्वल टू होता क्या है, क्यू। तो एक बात नोटिस की, देखो क्या बात नोटिस की, जो फ्री एक्सपेंशन का केस आता है उसमें u इक्वल टू भी जीरो, उसमें h इज इक्वल टू भी जीरो, उसमें वर्क डन इक्वल टू भी जीरो, और उसमें q इक्वल टू भी जीरो। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा थर्मल आइसो प्रोसेस है कि जिसमें चारों की चारों टर्म जीरो होती है, या फिर तुमसे पूछ लेगा कि फ्री एक्सपेंशन के केस में u h w और u की वैल्यू कितनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले देगा, लेकिन चारों की चारों चीजें क्या है, यहां पे जीरो है। तो ये एक नंबर में पूछ लेता है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की या कंप्रेशन की। भाई एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में होता क्या है, जब एक्सपेंड गैस कर रही है तो जो इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर किसको बोल रहा हूं मैं, इंटरनल प्रेशर, ये जो गैस का प्रेशर है P1, और P2 क्या है यहां पे, अपोजिट प्रेशर है। भाई P2 क्या है यहां पे, अपोजिट प्रेशर है, और P1 क्या है यहां पे, इंटरनल प्रेशर है। भाई जब गैस एक्सपेंड करेगी ऊपर जाएगी तो इस केस में होगा क्या, इस केस में P1 ग्रेटर देन कितना होगा, P2, इसमें कितना होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा। जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन में होगा क्या, P2 ग्रेटर देन कितना होगा, P1 होगा। अगर मैं एक्सपेंशन का फॉर्मूला निकालता हूं वर्क डन के लिए तो क्या आता है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, माइनस के पी डी वी। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, कहां से
वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाता है माइनस के P V2 माइनस के V1, और ये P जो एक्सटर्नल लगा है यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, यहाँ पे ये P2 है, P2 यहाँ पे क्यों आया, P2 इसलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक यही होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुम मिस्टेक कहाँ करोगे, जो बाहर ये ट्रम है ना प्रेशर की, इसको लेने में दिक्कत करोगे, होगा क्या भाई, जो प्रेशर अपोज कर रहा होगा, जो प्रेशर अपोज कर रहा होगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, P1 greater than P1 है, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा कि P1 greater than P2 है, तो जब P1 ऊपर को एक्सपेंड कर रहा होगा तो P2 क्या कर रहा होगा, उसके अपोज कर रहा होगा, तो वर्क डन के फॉर्मूले में जब तुम देखते हो कि वर्क डन इक्वल टू माइनस के P अपोजिट into del V, तो उसमें जो opposite pressure है वो होगा P2, जैसे ही मैं compression की बात करता हूं, जैसे ही मैं compression की बात करता हूं, तो उसमें होता क्या है कि P2 greater than P1 हो जाता है, तो जब P2 नीचे को जा रहा होगा तो P1 उसको क्या कर रहा होगा, ऊपर को oppose कर रहा होगा, ऊपर को oppose कर रहा होगा, तो compression के केस में जो formula बनता है work done का क्या बनता है, तो इस केस में जो formula आ जाता है work done का, तो work done equal to आ जाएगा minus के P1 V1 माइनस V2, क्या जाएगा V1 माइनस V2, क्योंकि एक्सपेंड कर रही है वॉल्यूम की टर्म भी चेंज होगी, V1 से V2 आएगी, बात समझ में आई, तो यहाँ पे P1 आ जाएगा और यहाँ पे P2 आ जाएगा, तो ये तीन फॉर्मूले निकल के आए यहाँ से, लेकिन ध्यान रखो अगर मैं P2 को किसकी टर्म में लिख दू, वॉल्यूम की टर्म में लिख दू, किसकी टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, तो देखो अब कैसे होते हैं जब एक्सपेंशन के केस को, होगा क्या जब एक्सपेंशन के केस में हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के पी टू V2 माइनस के V1, ठीक है, अब हम आइडियल गैस का केस ले रहे हैं, किस गैस का, आइडियल केस का, तो हम कर सकते हैं P2 V2 इक्वल टू RT, क्या लिख सकते हैं RT, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा RT बाई V2, RT बाई क्या आ जाएगा, अब ये P2 की वैल्यू हमें कहां पुट करनी है इस फॉर्मूले में, तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा माइनस के RT बाई V2, V2 माइनस V1, इस V2 को अंदर ले जाओ, वर्क डन इक्वल टू माइनस के RT 1 माइनस के V1 बाई V2, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या प्रेशर ना देके टेम्परेचर दे देता है और V1 V2 वॉल्यूम चेंज दे देता है, तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बात समझ में आई, वही अगर कंप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे P1 की वैल्यू लिखोगे और जब P1 की वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस V2 बाई V1 आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला याद होगा तो आपको कंप्रेशन में बस उसको अपोजिट ही करना है, तो ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, वर्क डन का, तो टोटल जो आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल एक ओवरव्यू दे देता हूं तुम, क्योंकि पहले क्या जो आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रिवर्सिबल में और दूसरा इरिवर्सिबल में, जो रिवर्सिबल में डिवाइड हुआ एक कंप्रेशन बना और एक एक्सपेंशन बना, और एक्सपेंशन के केस में जो फॉर्मूला आया वर्क डन का NRT माइनस, क्योंकि एक्सपेंशन का केस है तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस NRT ln V2 by V1 आता है, जब कंप्रेशन के केस में करते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है लॉगरिथम में, तो इतना केस था किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस में, जब तुम इरिवर्सिबल में आते हो तो क्या मिलता है, पहले फ्री एक्सपेंशन मिलता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, वो फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, उसका अपोज करने वाला वहां पे कोई प्रेशर अवेलेबल नहीं है, तो P अपोजिट उस केस में क्या होता है, जीरो होता है, जब P अपोजिट जीरो हो जाता है तो वर्क डन इक्वल टू क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और चारों की चारों टर्म फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम मान लेते हैं कि हल्का सा प्रेशर अपोज में लगा देते हैं, जब P इंटरमीडिएट कंडीशन उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सपेंशन होता है, एक कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन के केस में जो होगा क्या, एक्सपेंड कर रही है गैस, तो एक्सपेंड कब करेगी, जब गैस का इंटरनल प्रेशर P2 से, जो एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से अप्लाई हो रहा है उससे हाई होगा, तो क्या होगा एक्सपेंड करेगी, और कंप्रेशन में क्या होगा, जो ऊपर से प्रेशर लगेगा P2 वो ज्यादा होगा किसमें, इंटरनल प्रेशर से, तो ये दो फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं यहां से वर्क डन का, यहां से
तो ये जो वॉल्यूम आएगी वर्कडन का, वर्कडन की जो यूनिट आएगी, यूनिट को याद रखना, यूनिट को मैं फसलों में भी समझा दिया था, यहां से क्या आएगी, लीटर एटीएम में आएगी, और लीटर एटीएम को अगर जूल में या कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आर की, गैस कॉन्स्टेंट की उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जिसमें आपको वैल्यू चाहिए। अगर जूल की चाहिए तो 8.314 से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड किससे करोगे, 0.0821 लीटर एटीएम से। बात समझ में आई? फिर अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, क्या थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो क्या आता है, हम P2 की वैल्यू अगर यहां पे लिख दे तो फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, बात समझ में क्या आती है, अब यहां तक तुमने वर्कडन पूछ लिया, अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर हमें बताइए कि रिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस तो पढ़ लिए, लेकिन हमें बताइए कि वर्कडन, वर्कडन किस केस में मैक्सिमम होगा, रिवर्सिबल में मैक्सिमम होगा कि या इरिवर्सिबल में मैक्सिमम होगा। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन की, बात करते हैं किस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं, किसका, कंपैरिजन पढ़ लिया है। तो कंपैरिजन किसका है भाई, हमें पढ़ना है कि वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होगा, और रिवर्सिबल में किसमें, एक्सपेंशन होगा कि या कंप्रेशन होगा। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होगा या इरिवर्सिबल में एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होगा। भाई हमें कंपेयर करना है दो चीजों का, एक्सपेंशन का एक्सपेंशन के साथ करेंगे रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल के साथ, और कंप्रेशन का कंप्रेशन के साथ करेंगे रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कंप्रेशन की। भाई वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में मैक्सिमम ज्यादा होता है, रिवर्सिबल में जो एक्सपेंड केस होता है उसमें वर्क डन ज्यादा होता है, किससे, वर्क डन किससे, इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल कौन सा, एक्सपेंशन केस। भाई प्रूव करो, नहीं मान रहे हम इस बात को कि सर कैसे मैक्सिमम होता है, दोनों प्रोसेस डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंड गैस कर रही है। भाई एक्सपेंड क्या कर रही है, एक गैस को तुम रिवर्सिबली एक्सपेंड करो या एक गैस को तुम इरिवर्सिबली एक्सपेंड करो। तो बात आती है कि वर्क डन किस में ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में ज्यादा होगा कि इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा। तो प्रूव कर देते हैं भाई, प्रूव करते हैं, देखो कैसे प्रूव करते हैं। भाई अगर वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा है तो होगा क्या, मैं इस बात को लिख सकता हूं कि माइनस वर्क डन रिवर्सिबल, एक्सपेंशन का केस है भाई, किसका, एक्सपेंशन का केस है, कंफ्यूज मत होना कि बार बार मैं एक्सपेंशन नहीं लिख रहा। तो वर्क डन क्या रिवर्सिबल में मैक्सिमम होगा, माइनस या किसमें, वर्क डन इरिवर्सिबल में मैक्सिमम होगा। तो यू होगा क्या, ग्रेटर देन जीरो। भाई देखो, अगर इसमें से रिवर्सिबल में से अगर वर्क डन इरिवर्सिबल घटा दे और कोई वैल्यू हमारी कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्या, अगर कोई वैल्यू हमारी कैसी आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करेगी कि जो वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में होगा वो ज्यादा होगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से। बात समझ में आई? तो करते कैसे, अब प्रूव करते हैं। तो वर्क डन जो रिवर्सिबल में है, तो वर्क डन रिवर्सिबल में कितना आया था याद करो, तो आया था NRT ln V2 by V1, कितना आया था, NRT ln V2 by V1 minus वर्क डन इरिवर्सिबल में कितना आया था, तो वर्क डन जो इरिवर्सिबल में आया था, तो इसमें कितना वर्क डन आया था, इसमें वर्क डन आया था RT 1 minus के V2 by V1, तो कितना आया था इसमें, RT 1 minus के V2 by V1। अब बात करते हैं क्या होगा, अब अगर मैं इसको लिख दूं क्या, NRT ln 1 minus V2 by V1 minus के 1। भाई एक बार 1 प्लस कर सकते हैं, एक बार 1 माइनस करते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, 0। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम रह जाएगा। तो माइनस क्या भाई, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए ये, ठीक है। तो माइनस RT 1 माइनस के 1 माइनस के V2 बाई V1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता क्या है कि log 1 माइनस के x इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस के x, या log 1 प्लस के x इक्वल टू क्या होता है, x। भाई ये पढ़ा होगा तुमने मैथ में, ये छोटी छोटी बातें जाननी बहुत जरूरी है कि ये एक्सप्रेशन, अब ये देखो ये फॉर्मूला किसकी तरह दिख रहा है, 1 प्लस x की तरह। तो मैं इसको log 1 प्लस x ही जगह क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट x लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट x लिख सकता हूँ। तो देखो x कैसे लिखते हैं, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRT ln
ln, सॉरी गलत, nRT, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी v2 by v1 minus k1 minus RT 1 minus v2 by v1. बात समझ में आई? तो यहां से क्या आ रही है, एक चीज कॉमन आ रही है RT, यहां से क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो हम RT को क्या लेते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो n की वैल्यू को हम घटा देते हैं, मान हटा दो यहां से, तो होगा क्या, अब RT को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो जब RT को आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा v2 by v1 minus k1 minus minus k1 plus v2 by v1, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर देखो भाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, RT बाहर आ जाएगा, RT बाहर आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2v2 by v1, सॉरी यहां पे कुछ मिस्टेक हुई है, v2 minus v1 भाई, हाँ यहां पे क्या आता है, ये गलत था हमारा, यहां पे v1 by क्या आता है, v2, v1 by v2, v1 by v2, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा हमारा, v1 by v2, सॉरी भाई फॉर्मूला गलत लग गया था, v1 by क्या आ जाएगा हमारा, v2, उसके बाद जब तुम इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आता क्या देखो, v2 by v1 plus v1 by v2 माइनस 2, ठीक है, तो ये वैल्यू आने किससे चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो RT, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v1 v2, क्या कर सकते हैं यहां पे, यहां पे कर सकते हैं v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2 v1 by v1 into v2, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तो भाई ये फार्मूला किसका बन गया, v1 minus v2 के होल स्क्वायर का, तो RT, तो ये फार्मूला क्या हो गया, v1 minus v2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय v1 by v2, तो जो ये वैल्यू आप देख रहे हो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव में आएगी, ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो ये जो फार्मूला निकल के आया है माइनस करके, तो रिवर्सिबल में से इरिवर्सिबल वर्क डन घटा के हमारे पास क्या बचता है, एक वैल्यू बचती है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ये प्रूव करती है कि जो वर्क डन होगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वो ज्यादा होगा किससे, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से, तो हमारी ये बात प्रूव हो गई कि जो वर्क डन होगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ग्रेटर देन किससे होगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से, प्रूव करने का कोई भी हो, अगर तुम्हें कंप्रेशन में प्रूव करना हो कि कंप्रेशन में रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा होगा कि या इरिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होगा, तो क्या किया करो, डायरेक्ट माइनस करके देख लिया करो, डायरेक्ट माइनस करके देख लिया करो, किसी को भी माइनस कर दो, क्या किसी को भी, अगर मैं इस वैल्यू को इधर लिखता और इसको इधर लिखता तो हमारी यहां पे क्या आ जाती, नेगेटिव वैल्यू आ जाती, तब भी हमें पता लग जाता कि इरिवर्सिबल वर्क है वो क्या है, कम है किससे, रिवर्सिबल वर्क से, अगर हम कंप्रेशन की बात करें भाई, ये किसके लिए प्रूव था, ये प्रूव था कि वर्क डन जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में होता है वो ग्रेटर होता है किससे, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से, ऐसा ड्यू में कभी कभी प्रूव करने का क्वेश्चन ही पूछ लेता है, बाकी तुम्हारे एंट्रेंस में ऐसा प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, बस तुम्हारे लिए स्टेटमेंट कौन सा याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है तुम्हें एंट्रेंस वालों के लिए, कौन सा, ये स्टेटमेंट कि जो वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में होगा ग्रेटर देन किससे होगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से होगा, बात समझ में आई, अब बात करते हैं दूसरी, कंप्रेशन की बात करते हैं, तो कंप्रेशन का भाई मैं प्रूव नहीं करके दिखा रहा, कंप्रेशन के केस में होता क्या है कि जो इरिवर्सिबल का केस होता है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क डन ज्यादा होता है किससे, रिवर्सिबल कंप्रेशन से, तो आइसोथर्मल से हमें कितनी बातें पता लगी देखते हैं अभी, भाई क्या हमारी बात निकल के आई कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये बात हमेशा याद रखना कि हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, एडियाबेटिक दे रखा और तुमने लगा दिया हो, ये याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस तभी ऊपर लिख रखा है, तो होता क्या है जब कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन होता है
कंप्रेशन का इरिवर्सिबल में, किसमें इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है, किससे वर्क डन कंप्रेशन में, रिवर्सिबल से। तो ये जो प्रोसेस है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई। एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल में ज्यादा होता है और कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है। तो बस आइसोथर्मल प्रोसेस से यही सारा सब कुछ था जहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। भाई एक प्रोसेस पढ़ लिया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने की वजह से यू और एच दोनों क्या हो रहे थे, जीरो हो रहे थे। तो अब पढ़ते हैं दूसरा प्रोसेस कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस।